तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स ट्यूबर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो हाईलाइट यानी कि गेम प्ले हाईलाइट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला, जो कि आसाम के गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जो है आपने देखी होगी स्टार स्पोर्ट्स पे, साथ ही इस मैच की जो पूरी हाईलाइट है वो आप स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो है हॉट स्टार वहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस मुकाबले की, जहाँ पर इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह पर शिखर धवन की वापसी हुई है एज अ ओपनर बैट्समैन। तो इस मैच में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे इस मुकाबले की कि क्या हुआ इस मुकाबले में, कौन सी टीम ने टॉस जीता, कौन सी टीम ने बाजी मारी। साथ ही साथ पूरी वीडियो हाईलाइट जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ गेम के साथ ही, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, टॉस जीता भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि असम की जो पिच है वहाँ पर पिछली कई बार चेज करते हुए बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। भारतीय टीम के अनुसार यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने एक बार उन्हें हरा भी दिया था। ये कुछ बेहद ही अच्छे मोमेंट्स थे नेशनल एंथम्स के इस मुकाबले में, जो मैं आपको नहीं दूंगा ड्यू टू कॉपीराइट इशू। चलिए अब बल्लेबाजी बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि शिखर धवन का साथ देते हुए नजर आए लोकेश राहुल। अब देख सकते हैं आप कि गेंदबाजी टीम जो है वो भी पिच पर मैदान के ऊपर आ चुकी है। अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी है। तो बल्लेबाजों में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में लोकेश राहुल और शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो लसित मलिंगा को लाया गया है श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर डालने के लिए और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे लोकेश राहुल, जो अभी T20 में एज एस्टैब्लिश्ड ओपनर बनने वाले हैं कुछ ही समय में। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये मैच हुआ है स्टार्ट। टॉस जीता है भारतीय टीम ने। चलिए चलते हैं, बल्लेबाज तैयार है इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए। बेबुनियाद शॉट बल्लेबाज द्वारा, ठीक से पढ़ नहीं पाए। बड़ी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण से बल्लेबाज को एक एक रन के लिए संघर्ष करा रहे हैं। बहुत बढ़िया कप्तानी। तो आप देख सकते हैं मलिंगा ने काफी शानदार गेंदबाजी करी है शुरुआत के कुछ ओवरों में। यहाँ पे खराब रनिंग, ये बहुत ही कठिन फील्ड है। क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा, अभी हम देख लेते हैं। बड़ी सटीक रखनी होगी। अरे यार, कोई शॉट सही से लगी नहीं रही है, बट देख सकते हो आप ड्यू फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बल्लेबाजी करने के लिए दूसरे काफी हताश होंगे अपने आप से इनिंग में, क्योंकि इसी की वजह से है जो। और ये एक शानदार शॉट, आप देख सकते हैं पावर प्ले था जिसका बहुत बढ़िया फायदा उठाया। बिल्कुल एक शानदार चौका, बहुत बढ़िया। लसित मलिंगा की गेंद थी, हल्की यॉर्कर लेंथ की गेंद ट्राई करी थी बट सही ठिकाने पे गिरी नहीं, और एक फुल लेंथ की गेंद जिसको कोई भी बल्लेबाज बहुत आसानी से चौके की तरफ मार सकता है या फिर 6 रन भी बना सकता है। तो आपको ड्यू फैक्टर जो वो आपके अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दूसरे पारी में गेंदबाजी करना एक कठिन काम होता है। ये गेंद कहाँ जाएगी, अब देखते हैं क्या होता है। ये हल्की यॉर्कर लेंथ की, इसको सीधे हाथों से खेल दिया है। गैप में खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर मिले वहाँ पास। अब ट्राई करते हैं हल्का सा, ये शॉर्ट लेंथ की डिलीवरी है जिसको पुल करने की कोशिश करें हम, और ये एक अच्छा पुल पूरे बल्ले पर तो आई नहीं बट फिर भी चौका तो मिल ही जाएगा बहुत आसानी से। तो 4 रन हो चुके हैं। तो गैर थोड़ा सा आप गेम प्ले इंजॉय करो, मैं आपको कमेंट्री थोड़ी देर बाद दूंगा। दूसरे छोर से तेज गति के गेंदबाज को लाया गया है। तो
पास नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तैयार। निश्चित तौर पे इसकी कामना नहीं कर रहे थे, बढ़िया गेंदबाजी। गेंदबाज कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वाइड डाल बैठे। तो गाइस काफी अलग कोशिश है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं मीडियम करके खेल रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। वैसे भी बहुत दिनों के बाद आज ट्राई किया मैंने, इस गेम को ओपन करूँ और एक शानदार चौका फिर से, बहुत बढ़िया। ऊपर से मारने का मन बना लिया था और सक्षम हुए करने में। बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट है। चलिए तो अब अगली गेंद पर देखते हैं क्या होता है। नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये तो छह जाएगी, फॉर श्योर। देख सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार चौका तो बनता ही बनता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये देखिए जसन बनता हुआ ग्राउंड के ऊपर। यार शिखर की बैटिंग काफी लाजवाब है और मेरे हिसाब से रवि शास्त्री हम बैटिंग कर रहे हैं, तो खैर रवि शास्त्री की तो कोई बात ही नहीं। अभी तो इसको हम ऐसा लपड़ियाएंगे कि क्या बताएं हम आपको। देखिए कैसे इसको तंतना देते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अरे यार ट्राई तो वही किया था मैंने, बट कोई नहीं, मिस हो गया। अगले ओवर में इनको पेला जाएगा, घबराओ मत। लंबा चौड़ा छक्का मारूंगा इसको तो मैं चुन चुन कर। ये लो भाई, बोला था ना मैंने इसको तो नहीं छोड़ूंगा, छह रन तो देना ही देना है। ओ भाई रवि शास्त्री ये तो पूरा फॉर्म में है भाई, देख सकते हो यार, मतलब गेम तो काफी बढ़िया है। आप देखो कितना बढ़िया इसका ग्राफिक्स है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। रियल क्रिकेट 19 इस गेम का नाम है, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आप देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बाउंड्री की आस लगाए बैठे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लिक कर देता हूँ आई थिंक। अबे यार लगा ही नहीं, विकेट के ऊपर से गेंद ही होगी, वाइड तो होगी नहीं। और उनकी योजनाओं पर पानी फेरे जा रहा है। चलो यार तो मैथ्यूज को लाया गया, यार इनका फेस तो काफी मिलता है रियल लाइफ में। और ये कौन है भाई, कपू गेदरा है क्या? पता नहीं कौन है। खैर चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक लंबा छक्का मुझे लगता है मारूंगा अभी तो, अभी तो पक्का मारूंगा इसको, चुन चुन कर मारूंगा। बड़ी सटीक रखनी होगी। अबे यार कहीं आउट ना हो जाए। नहीं बे, पावर प्ले का फायदा उठा रहा हूँ। अच्छा चौका, बढ़िया है लोकेश राहुल। सोच नहीं पा रहे थे जैसे ही मैथ्यू गेंदबाजी करते, बिल्कुल उसी तरह की गेंद थी, हल्की धीमी गति की, गति परिवर्तन मैंने सोचा थोड़ा सा तेज आएगी, लेकिन थोड़ी सी कम तेज आई। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या जाता है, फ्री का तो है, थोड़ी बहुत मेहनत है उस मेहनत को भी फुलफिल कर दो। अबे यार ये शॉट कभी कंटिन्यू हो ही नहीं रहा। सही बात है, पहली बार बढ़िया कमेंट्री हो रही है, बेबुनियाद शॉट। चलो यार इसको तो भी मिड ऑफ के ऊपर से उड़ाऊंगा। लो यार चार रन तो बनता है। नहीं भाई बस एक ही रन हुआ यार, अभी भी रन रेट सही है, दो ओवर दो गेंद में 28 रन काफी है। हार्ड करके खेल रहा हूँ यार, इजी मत समझ लियो, मैं देखकर बताता हूँ। अबे यार क्या है पता भी नहीं चल रहा है, छोड़ो। ओ भाई ये तो बहुत ही पीले भाई, पानी पीले और क्या करोगे, फील्डिंग करते करते तो थकना ही है तेरे को, पीले। तो शिखर धवन की बारी है, अब देखते हैं शिखर धवन क्या करते हैं, ऐसे तो गुटखा खाते रहते हैं। लो भाई लपेट दिया, लगता है शिखर खा कर आए थे। पूरे फॉर्म में ब्रो, ये लंबा लंबा मार यार, ऐसा मार कि क्या बताऊं। सीधा बल्ले के बीचों बीच से बाबा, ये तो ट्रेडमार्क शॉट है सौरभ गांगुली का, तेरा नहीं है भाई ब्रो। और ये सुरेश रायना बड़ी बढ़िया खेलता है यार, इनसाइड आउट बहुत अच्छा।
कोहली का तो जवाब ही नहीं है, ये सब बहुत बढ़िया इनसाइड आउट खेलते हैं। दूसरे छोर से तेज गति के गेंदबाज को लाया गया है। बताओ यार 12 का रन रेट इतना तो रियल मैच में नहीं लग पाता है। फील्डिंग टीम अब दो से ज्यादा फील्डर दायरे के बाहर रख सकती है। चलो दौड़ कर सिंगल ले लो, एक के रन से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर फील्डिंग का प्रयास, रन बचाए अपनी टीम के लिए, फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है। कमाल का शॉट, दो रन मिल सकते हैं। अरे भाई दो कैसे मिलेगा यार। बढ़िया फील्डिंग का प्रयास, रन बचाए अपनी टीम के लिए। जब ज्यादा फील्डर्स बाउंड्री की रक्षा कर रहे हो ना, तो बल्लेबाज को सिंगल्स तोहफे के रूप में मिलते हैं। कब लगेगा? निश्चित तौर पे इसकी कामना नहीं कर रहे थे। बढ़िया गेंदबाजी, काफी हताश होंगे अपने आप से, सीधा स्लॉट में थी गेंद। बे यार डिफेंड कर रहा है शॉर्ट बॉल को, क्या बल्लेबाज बनेगा रे तू। गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसको तो लपेटूंगा अभी लंबा, चार तो जाना ही चाहिए। शॉट खेला, रन के लिए दौड़ लगाई, क्या दूसरे की प्राप्ति होगी। चलो यार दो तो हो गए पूरे। यार ये वाला ग्राफिक्स देखना, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स है, बहुत उम्दा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो इस बार चलो पुल करते हैं, देखते हैं क्या होता, आउट होंगे होंगे। चलो यार आउट तो नहीं हुए। यहां तो नाक के नीचे से एक रन चुरा लिया बॉस। बल्लेबाज हमेशा रन चुराने के लिए तैयार रहते हैं। चलो यार डाइव तो किए हैं। आत्मविश्वास भरी अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। चलो यार नॉट आउट ही है। बिटवीन द विकेट्स बहुत ही उम्दा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। चलो बॉलिंग स्कोर कार्ड भी देख लो, सबको पड़े हैं अच्छे खासे रन। सबसे ज्यादा तो सुरंगा लकमल को पड़ा है, देख लो यार रन रेट कम गया। ये लोकेश राहुल कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी। बे यार ओ अति उत्तम गेंद, वो बहुत ज्यादा स्लो फेंक रहा है बे, इसको मारूं क्या, लतिया देता हूं। बहुत बढ़िया, अब जाकर लगा उस वक्त से ट्राई करते करते। यार रिप्ले देखो इसका, काफी मजा आएगा। उस वक्त से कोशिश कर रहा हूँ, अब जाएगा अब जाएगा, अबे लपड़ी आने के बाद अब जाकर गया। हाँ तो लगेगा नहीं बेहतर। चलो आगे बढ़ो। अबे यार मिड ऑन खाली कर दिया है। अच्छा, अच्छा, देख रहे हैं। फिर अच्छा दोगे है, फिर वही मारूंगा और क्या, चुन चुन कर मारूंगा। लो फिर से वही, क्या बे हमसे पंगा लोगे। बल्ले के पीछों बीच टन 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 टन, एकदम लंबा लंबा बल्लेबाजी का प्रदर्शन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा, अपनी टीम को एक सुदृढ़ स्थिति में लाते हुए। शिखर धवन इसीलिए ना बढ़िया है, शिखर खा के पान पुरिया खा के एकदम ऐसा, क्या बता क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है। फिर वही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस बार तो आउट होंगे। बल्लेबाज निश्चित रूप से दो रन ले सकते हैं। अबे नहीं हो पाया दो रन, फर्स्ट बाउंस, वरना हैट्रिक छक्का मार दे उसको। खराब रनिंग, फील्डर पॉइंट पे लगाया गया है। इसको भी वही शॉट खिलवाते हैं, वही भी मार दिया। भाई ये शॉट तो बहुत काम का शॉट है बे, सब लग पर येले रहते हैं गेंदबाज, बैट्समैन बल्लेबाज गेंदबाज सब मारते हैं। देखो यार गजब का शॉट है, बहुत बढ़िया, हम तो यही शॉट खेलेंगे। ये चुनिंदा शॉट्स बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। हम तो भैया यही शॉट खेलेंगे, फिर तू गेंद वही दे मैं वही मारूंगा, बहुत बढ़िया। लो भैया इस बार गया, अच्छा हुआ लोकेश राहुल चला भी गया, सारा हुआ गेम खेला। वाह मैथ्यूज काफी चमक रहे हो बे, अजंता मेंडिस थिसारा परेरा।
डिसिल्वा। अरे वाह, बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाते हुए चल निकल, ताश पहली विराट फुर्सत में निकल, धवन उदास। भाई को कॉपी करेगा बे। भाई मीडियम खेल रहा हूँ मैं। ओ भाई अच्छा हुआ मीडियम में इतना स्कोर कर लिया मैंने। एक होता है क्या, वेरी इजी इजी मीडियम हार्ड, वेरी हार्ड ना, तो मीडियम पे आ गए। अब अगली बार ये हार्ड वाला बहुत ही उम्दा खेलेंगे। ठीक लेंथ, है लेकिन तो भाई लोग, शॉट थैंक रनाने यू के सो लिए मच अनुकूल वीडियो नहीं। को पूरा देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।